नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों आज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिंग करें, ट्रेडिंग ना करें। इसीलिए तो सेबी एक नया सर्कुलर लेकर के आ रही है कि इन्वेस्टर ज़्यादा आए और ट्रेडर कम आए। और अभी सेबी के चेयरपर्सन ने ये भी कहा है कि लोग सट्टेबाजी की तरफ, जो हमारे युवा हैं वो सट्टेबाजी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इससे इंडियन जो फैमिली है उनकी घर की बचत खत्म हो चुकी है। तो ऐसा क्यों, इसकी चिंता से मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का फायदा है और वो कैसे है आपका नुकसान, वो सब क्या चीज़ें हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सही से आप बेहतर तरीके से सारा मोटिव समझ पाएंगे गवर्नमेंट का। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, हमारे लास्ट वीडियो उस पर आपके लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए सफल नुस्खे और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई गई है, वो देखिएगा। उसमें आपके लिए सरप्राइज भी, क्योंकि हम गिव अवे भी कर रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इस समय से भी यहाँ से ट्रेडर को कम करना चाह रही है, उसका मेन रीजन है गवर्नमेंट को पता है कि इस समय जो युवा हैं वो सट्टेबाजी की तरफ ज़्यादा हैं। सट्टेबाजी बोले तो जैसे लोग इस समय तो लाल और हरे पे भी पैसा लगा रहे हैं ना, वो तो आप जानती हैं कलर ट्रेडिंग, उसको कलर ट्रेडिंग बता दिया है। ट्रेडिंग नहीं, वो सीधा सीधा जुआ और सट्टा ही है, जैसे ताश के पत्ते एक इधर ये इधर ये इधर, वही गेम उधर है कि लाल और हरा, भाई वो कुछ भी नहीं है, मत खेलिए ऐसे गेम। बाइनरी ट्रेडिंग या फिर ऑक्टा एफएक्स पे ऐसी वैसी, ये सब बेकार की चीज़ें, यहाँ पर किसी का रेगुलेशन नहीं है। इसीलिए इंडिया में तो ये फॉरेक्स ट्रेड सब बैन है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग और यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग, ये दो चीज़ें ही रियल की ट्रेडिंग है, बाकी कोई ट्रेडिंग रियल नहीं है। मतलब हम ऐसे ऑनलाइन बात कर रहे हैं। अब देखिए गवर्नमेंट क्यों चाहती है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सरकार को इतना प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उन्हें बहुत थोड़ा थोड़ा टैक्स मिलता है, बहुत थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो छोटे ट्रेडर आते हैं वो क्या करते हैं, ओवरऑल तो लॉस करके जाते हैं। और इससे पहले सरकार इसीलिए तो यहाँ पर जो हमारा लॉस था उस लॉस को हम 5 साल तक कवर भी कर सकते थे, मतलब अगर अगली साल प्रॉफिट कर लिए तो पहले तो वो लॉस घटाया जाएगा प्रॉफिट से, तब भी अगर कोई बचता है तब टैक्स देना पड़ता था। इसीलिए सेबी इस रूल को चेंज करना चाह रहा है, इसको स्पेकुलेशन कैटेगरी में डालना चाह रहा है, जिससे कि ये बिजनेस में अकाउंट ना रहे और आपको हर साल टैक्स देना पड़ जाए। जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा टैक्स दे देंगे, तब तो ठीक है। अब शॉर्ट यहाँ पर आपने ट्रेडिंग की, अब अगर इसी की जगह अगर आप करते हैं इन्वेस्टिंग उसी पैसे की, तो देखिए पहली चीज़, अगर आपका प्रॉफिट 1 साल से पहले आप उसको बुक करते तो आप पर 15% का टैक्स लगता, ठीक है ना। और अगर आप 1 साल बाद बुक करते तो 1 लाख के ऊपर आपका 10% का टैक्स लगता, मतलब वहाँ सरकार के लिए इकट्ठा टैक्स भी मिला। दूसरी चीज़, जब आप उस पैसे को निकालेंगे तो कहीं तो लगाएंगे, चाहे आप दोबारा इन्वेस्ट करें तब फिर दोबारा सरकार के लिए पैसा मिलेगा, या फिर आप उससे कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, सरकार को पैसा मिलेगा। लेकिन जब आप कर रहे हैं सट्टेबाजी तो वो पैसा सरकार के पास नहीं पहुंच पा रहा है, हर किसी इंडिविजुअल से, किसी 1-2% से ही पैसा पहुंच रहा है। और उसके पास बहुत सारे ऐसे आइडिया हैं, वो अपना पैसा इधर से उधर कर लेता, सरकार भाई इतना टैक्स नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, आप जो अदर सट्टेबाजी की ऐप पर ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे वो सब कंपनियां सरकार से टैक्स की चोरी कर रही हैं। तो आदमी से तो पैसा चला गया और कंपनियों ने पैसा दिया नहीं सरकार के लिए, तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट इसीलिए चाह रहा है कि आप सब इन्वेस्टिंग करें। अब दूसरा फायदा इन्वेस्टिंग करने से, एक तो ये टैक्स वाला हुआ, दूसरा इससे क्या इकोनॉमी बढ़ेगी। भाई जब आप पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे और पैसा होगा तो इससे क्या बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडिया की इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, कंपनियों के पास पैसा आएगा, वो अच्छा बिजनेस करेंगी, तो फिर वहाँ से सरकार के पास टैक्स भी बेहतर आएगा और दूसरा हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। अब आपके पास अगर पैसा होगा आप बचत करेंगे तो बचत कहाँ जाएगी, सरकार जो कह रही है कि हमारे युवा जो सट्टेबाजी की तरफ ज़्यादा हैं, जिस वजह से फैमिलीज़ की इनकम और उसमें देखें तो बचत ख़त्म हो चुकी है। अब उस बचत से सरकार पे क्या जोर पड़ रहा है, चाहे तो सरकार और भी तो स्कीमें दे सकती है, लेकिन नहीं, फ़र्क ये पड़ रहा है ना कि भाई अगर आपकी बचत होती तो पैसा कहाँ होता, सेविंग अकाउंट में, और सेविंग अकाउंट का पैसा
जिस पर आपको नाम मात्र का इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब कुल मिला के फ्री इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे क्या है, गवर्नमेंट का बेनिफिट, वो पैसा किसी को लोन दिया जाएगा, उससे प्रॉफिट बनाया जाएगा, सरकार की इकॉनमी बढ़ेगी, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो ये सारे मोटिव हैं सरकार के, जो सरकार चाहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं, आप पैसे को सेविंग अकाउंट्स में रखें, आप ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें, सट्टेबाजी तो बिल्कुल भी ना करें। ट्रेडिंग से एक तरह से सरकार को थोड़ा बहुत बेनिफिट तब भी है, लेकिन सट्टेबाजी से तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंपनियां टोटल टैक्स चोरी कर लेती हैं, सारा पैसा बाहर सीधा उनके दूसरे अकाउंटों में जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी ऐप है, जैसे अगर आप बेनेक्स बेट वगैरह ये सब ऐप को ले लेंगे ना, तो ये सब ऐप पता है आपसे पैसा किस तरह से लेते हैं, कभी इस अकाउंट में, कभी इस अकाउंट में, कभी इस अकाउंट में, कभी इसमें, मतलब कोई पता ही नहीं है किस किस अकाउंट में, क्योंकि वो उतना ही पैसा लेते हैं जिसमें उन्हें टैक्स ही ना देना पड़े, बच गया ना सारा पैसा टैक्स का उनका, और सरकार का हो गया टोटल लॉस। तो बस इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप करें इन्वेस्टिंग, फिलहाल अच्छी चीज़ है अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग सीखते हैं तब करते हैं तो ट्रेडिंग और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है, उसमें आपका फ्यूचर बन सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सीखना, अगर बिना सीखे करते हैं तो जीवन बर्बाद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, हर किसी का एक मोटिव होता है, और वो अगर आपको पता हो तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का यही मोटिव है कि आप करें इन्वेस्टिंग। और दोस्तों देखिए, ये कलर ट्रेडिंग वगैरह इन सबसे दूर रहिए भाई, बहुत गलत चीज़ें हैं ये, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम कलर ट्रेडिंग और ये सब कैसे काम करती हैं, क्या है इनका फंडा, ये सब आपको बताएंगे। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।